यह है 7 साल पहले की लक्ष्मी, जो जिंदगी में कुछ बनने की हसरत लिए अपने सपने को पूरा करने में जुटी थी। लेकिन साल 2005 में दिल्ली के खान मार्केट के पास हुए एसिड हमले ने लक्ष्मी की जिंदगी पलट कर रख दी। हमले के वक्त लक्ष्मी सिर्फ 15 साल की थी। मैं बुक शॉप जा रही थी तो एक लड़का था, वो 32 साल का था, मैं 15 साल की थी। तो वो उसके छोटे भाई की गर्लफ्रेंड के साथ आके, मैं जब मेन रोड में जा रही थी, तब उन्होंने आके अचानक से मेरे फेस पे हाथ रख के मुझे ज़मीन पे धक्का मारा। ग्लास में एसिड था और उन्होंने मेरे फेस पे डाला और वो भाग गए वहाँ से। उसके बाद वहीं से मेरा इतना लाइफ एक ऐसा स्टार्ट हुआ कि एकदम मौत जैसी ज़िंदगी स्टार्ट हुई। लक्ष्मी पर गुड्डू नाम के एक लड़के ने एसिड फेंका था, क्योंकि लक्ष्मी ने गुड्डू के एक तरफा प्यार से इनकार कर दिया था। सब कुछ बिखर रहा था, लेकिन लक्ष्मी और उसके परिवार ने फैसला किया कि वो दोषियों को सजा दिलाएंगे और बाजार में तेजाब की खुली बिक्री के खिलाफ भी आवाज उठाएंगे। 2006 में हम लोगों ने सब मिलके, अपर्णा मैम ने, मैंने और शिरीन आंटी है, पापा है, मम्मी, सब ने बैठ के एक वो बनाई कि मेरे अटैक के बाद बहुत सारे ऐसे अटैक्स थे जो हुए थे, उसके बाद हम सब ने मिलके यही किया कि एसिड को बैन करना चाहिए। लक्ष्मी पर तेजाब फेंकने वाले एक शख्स को 7 साल और दूसरे को 10 साल की सजा तो पहले ही हो चुकी है, लेकिन लक्ष्मी की लड़ाई सिर्फ अपने इंसाफ के लिए नहीं थी, लक्ष्मी लड़ रही थी तेजाब के खिलाफ। 7 साल तक पुलिस स्टेशन, अस्पताल और कोर्ट के चक्कर काटने के बाद लक्ष्मी की लड़ाई रंग लाई। तेजाब फेंकने की घटना रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तेजाब फेंकने पर वैसी ही सजा मिलेगी जैसी जहर देने पर मिलती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पीड़ित को कम से कम 3 लाख का मुआवजा दिया जाए और इसमें से 1 लाख घटना के 15 दिन के भीतर दिया जाए। बिना लाइसेंस के तेजाब बेचने पर सख्त कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक दुकानदार का यह अपराध गैर जमानती होगा और 50,000 का जुर्माना लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के अंदर निर्देशों का पालन करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लक्ष्मी काफी खुश है, लेकिन वो मुआवजे की रकम से संतुष्ट नहीं, क्योंकि एसिड अटैक के इलाज में ही लक्ष्मी का करीब 10 लाख खर्च हो चुका है। मेरा 2005 से 2009 तक मेरा ट्रीटमेंट चला है, तो उस बीच में मेरे 7 ऑपरेशन हुए और 10 लाख रुपए खर्च हुए, और यही 3 लाख की बात, 3 लाख रुपए कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक ऑपरेशन 2 ऑपरेशन में 3 लाख लग जाते हैं। लक्ष्मी स्टॉप एसिड अटैक संस्था से जुड़ी हुई है और अब ये संस्था मुआवजे की जगह इलाज का खर्च उठाने और हमलों की शिकार महिलाओं के पुनर्वास को लेकर PIL दाखिल करेगी। मैं चाहूंगी कि ट्रीटमेंट फ्री हो जाए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उसके बाद 3 लाख दिया फिर ये रिहैबिलिटेशन एक तरह का हो सकता है। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। पहले तो लक्ष्मी को दुनिया के सामने आने की हिम्मत हासिल करनी थी। आप तो फिर भी बाहर निकली हैं, लेकिन लड़कियां तो निकलती नहीं है। नहीं निकलती, मैं भी नहीं निकली थी। मैं 8 साल के बाद यहाँ पे आई हूँ। एक तरीके से मैं मीडिया के सामने बहुत टाइम के बाद है, जब मैं स्टॉप एसिड अटैक में आई हूँ, जब मैं मीडिया के सामने, वरना मैं नहीं आती थी, मैं भी घबराती थी, मैं भी डरती थी, यही होता था मेरे साथ और जिंदगी सच में ही थम जाती। एसिड अटैक के बाद लक्ष्मी अगर घर में छिप जाती तो वो सिर्फ एक पीड़ित होती, लेकिन लक्ष्मी अब बन गई है एसिड अटैक के खिलाफ आवाज। ऐसी आवाज जिसने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि एसिड अटैक की शिकार हजारों महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ी है। सुप्रीम कोर्ट तक अगर ये मामला पहुंचा है तो लक्ष्मी लेकर आई थी, लक्ष्मी अपने साथ मेरे उन हजारों लड़कियों के एक प्रतिनिधि के तौर पर आई थी जिनकी जिंदगी पूरी बर्बाद हो जाती है एसिड अटैक के चलते। कैमरा पर्सन प्रमोद गुप्ता के साथ अंकित गुप्ता, ABP News, दिल्ली।